ये तस्वीरें बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की है, जहां पर सब्जी मंडी के आढ़तियों ने एक बैठक का आयोजन किया है और इसमें फैसला लिया गया है कि दो दिन के अंदर आढ़ती एम सिंह को गोली मारने वाले बदमाश पकड़े नहीं जाते तो वह सब्जी मंडी को बंद कर देंगे। आपको बता दें कि गत दिवस बदमाशों ने हेम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी, जिसमें आरती हेम सिंह सहित 3 लोगों को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। उसी के विरोध में आज बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आढ़तियों ने बैठक कर पुलिस से गुहार लगाई कि वे मंडी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करें। इसको लेकर भी पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। ये सारे कल सुबह 6 बजे हमारी मंडी में गोली कांड हुआ है। हेम सिंह सैनी को गोली मारी है, उसके एक व्यापारी को मारी है, पल्लेदार को मारी है। वो तीनों आदमी इंजर्ड हैं, जो एस्कॉर्ट में उनका इलाज चल रहा है फिलहाल अभी भी। और हमारे सारे व्यापारी लोग डरे हुए हैं इस बात से कि आए दिन मंडी में नई वारदातें हो रही हैं। पिछली 4-5 वारदातियाँ हो चुकी हैं, जिनमें आज तक पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो FIR नाम दर्ज है वहाँ पे भी, उनमें भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब ये जो कल की वारदात है, इसमें भी अभी तक कोई हमें सूचना नहीं है भाई कोई गिरफ्तार हुआ है या कोई पता लगा है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। हम इसके बारे में अपने CP साहब को मिलना चाहते हैं, उनको एक विज्ञापन देना चाहते हैं कि अभी इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, इन पर रोक लगाई जाए और हमारी सेफ्टी की जाए। प्रशासन इस बारे में नहीं सुनता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यह है कि हम 2 दिन का इसमें टाइम दे रहे हैं, नहीं तो 9 तारीख से हम अपनी मंडी लॉकडाउन कर देंगे बिल्कुल एकदम। मामला अभी कल जो गोलीकांड हुआ था, इस पे सारे आढ़तियों को बड़ा रोष है। जो गोलीकांड हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी आढ़ती भाई पे। और आगे भय के माहौल में जो हम मंडी खोली गई है, भय का माहौल था आज भी, मतलब डर के साए में जी रहे। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम सरकार को देना चाहते हैं, प्रशासन को, भाई ऐसे आगे हमारी सेफ्टी रखे और ध्यान रखे, और जो जिसने भी जो वारदात करी है वो पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, और उनके खिलाफ कार्रवाई जो सरकार के है वो होनी चाहिए। इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात मंडी के अंदर? इससे पहले भी वारदात कई हुई है, लूटपाट की और गुंडागर्दी कई बार वारदात हुई है। अब जो आपने बैठ के जो पंचायत ने जो निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, वो अहम निष्कर्ष क्या निकाला है? अहम निष्कर्ष ये CP साहब को और प्रशासन को हम ये अपने लेटर पैड पे देना चाहते हैं कि हमारे जो गुंडा तत्व हैं, जिन्होंने गोलीकांड चलाई है, वो पकड़े जाएं जल्दी जल्दी, अन्यथा हम मंडी का 2 दिन का मंडी बंद करेंगे 2 दिन बाद। एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।